was the first real big star of the stock market, okay? Because for a year and a half, everybody who followed him made a lot of money. And that creates a lot of loyalty, fan following. He was the first ever broker to feature on the covers of so many magazines. ये थी कि हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ लिए थे और ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट बैक. स्टेट बैंक के बुक्स में था कि देर इज अ रिसीट अगेंस्ट अ सर्टन ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हेन इन फैक्ट देर वॉज नो ट्रांजेक्शन एंड द मनी हैड गॉन टू हर्षद मेहता. एसबीआई के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने और एसबीआई के चेयरमैन ने हर्षद मेहता को वहां पे बुलाया था टू रिकवर द मनी. और उन दिनों में किसी की लेक्सस कार होती नहीं थी, तो जब हर्षद मेहता की यू नो वेरी एक्सपेंसिव 40 लाख लेक्सस कार एसबीआई में गई, तो वो सिर्फ कार देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे. बैंक ने स्टेट बैंक को पूछा कि एक ब्रोकर इतना बड़ा चेक कहाँ से दे सकता है, तो हमको वो चेक देखना है. और तभी पता चला कि चेक आया था नेशनल हाउसिंग बैंक से, विच वॉज इवन मोर स्कैंडलस, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ डायरेक्ट सब्सिडियरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द मॉनेटरी अथॉरिटी. और फिर आरबीआई आस्क्ड नेशनल हाउसिंग बैंक ऑन व्हाट बेसिस डिड यू गिव द मनी टू हर्षद मेहता टू पे स्टेट बैंक, एंड देन दे गॉट टू नो दैट द मनी हैड कम फ्रॉम ANZ ग्रीनलेस. So then RBI went to investigate ANZ Greenlace. And at that stage, unko pata chala ki it is not about one bank. Every bank was involved. Andhra Bank, Canara Bank, Standard Chartered, Citibank, Hong Kong Bank, you name it, and they were involved, including very small cooperative banks. And it was like a, you know, a daisy chain. Hrishad Mehta ka real income aur jo paisa unke paas tha to pump up stocks, वो आ रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से. सो और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कम्प्लीटली बिहाइंड द सीन्स शैडो ही अननोन था. तो ये जो घोटाला हुआ वो एक्चुअली मेनली स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं था, इट वॉज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कैम. जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में ही सुना है, ईयर 1992 का हर्षद मेहता स्कैम असल में स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं था, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कैम था. हर्षद मेहता गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसे पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट में लगाता था, उससे शेयर्स को उछालता था, शेयर मार्केट को उछालता था, शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती थी और हर्षद मेहता इसी से पैसा कमाता. हर्षद मेहता ने हमेशा यही टैक्टिक यूज़ की थी. सुचेता दलाल ने यह स्कैम एक्सपोज किया था और आज हम उनके बारे में जानेंगे. उनका जन्म 1962 में मुंबई में हुआ था. उसके बाद उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मुंबई में ही हुई. उनको बचपन से ही पत्रकारिता में और बिजनेस में इंटरेस्ट था. बाद में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BSc स्टैटिस्टिक्स कर्नाटक के धारवाड़ कॉलेज से कंप्लीट की. उनके घर में एक मेंबर लॉयर भी था, तो उनको वकीली का भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुंबई से LLB और LLM की भी डिग्री 1984 में हासिल कर चुकी है, मतलब वो एक ट्रेंड लॉयर है. उसके बाद उन्होंने अपनी पहली नौकरी फॉर्च्यून इंडिया, ये एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस मैगजीन से शुरू की थी. जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको बिजनेस में और पत्रकारिता में बचपन से ही रुचि थी, तो फॉर्च्यून इंडिया के बाद उन एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टर बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में भी पत्रकारिता की थी. आखिर में 1990 में वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टर ज्वाइन हुई. और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, 1992 में उन्होंने हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया. स्कैम एक्सपोज होने के बाद ऑब्वियसली उनको प्रसिद्धि मिली और उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल एडिटर भी बनी. वो 1990-80 तक टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल एडिटर बनी रही. उसके बाद उन्होंने 98 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप छोड़ा और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में वो फाइनेंशियल कॉलम लिखने लगी. 1998 से 2008 तक उन्होंने 10 साल इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के लिए फाइनेंशियल कॉलम लिखे. 2006 में उन्होंने अपने पति देवशीष बासु के साथ, उन्होंने जो हर्षद मेहता स्कैम में भी काम किया है एक्सपोज करने का, अपने पति के साथ उन्होंने मनी लाइफ एक फाइनेंशियल मैगजीन शुरू किया. तब से वो मनी लाइफ मैगजीन में काम कर रही है. 2010 में वो मनी लाइफ मैगजीन की एडिटर बनी है. हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज करने के बाद उन्होंने एनरॉन जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, उसका भी स्कैम एक्सपोज किया. IDBI बैंक का भी स्कैम एक्सपोज किया. और 2001 में हर्षद मेहता के जैसा ही स्टॉक मार्केट का केतारेक स्कैम भी एक्सपोज किया.
तो उन्होंने पत्रकारिता में अपना जान छिड़क दिया था का भलाई के लिए, लोगों का अच्छाई के लिए, ऐसा वो तो कहती है। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम होने के बाद उनकी अच्छी पत्रकारिता के लिए उनको चमला देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2006 में उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, उनके हाथों से उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। लाइफ मैगजीन चलाते वक्त उनका एक ही मोटो है, हमारे देश का जो कॉमन मैन है, आम आदमी, उसके बीच फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाना, उसको नॉलेज देना, यही उनका मैगजीन चालू करने का मकसद है, ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हर्षद मेहता के ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाए, अगर प्लेलिस्ट में सेक्शन में देखें तो भी आपको हर्षद मेहता के ऊपर बनाई मैंने बाकी सारी वीडियो भी दिख जाएगी और मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए दे रहा हूँ। तो मेरे आपसे दरखास्त है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।